आज हम पढ़ेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को हम दूसरे लफ्ज़ों में ब्लू परफेक्ट नंबर भी कहते हैं। अब ये नंबर क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर है जो सम होता है उसके अपने डिजिट का। जो रेज होता है उसकी जो पावर है ना, पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट उसका। मतलब कि हमारे पास अगर एक नंबर है तो उसका सम करके उसकी जो पावर होगा ना, और उसका जो पावर रेज होगा वो हमारे पास होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम इसकी बात करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास एन डिजिट नंबर्स तक होता है। मतलब कि एन डिजिट नंबर्स जो हैं वो हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स का मतलब उसे हम कह सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं उसकी, अगर हम किसी एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे लिखते हैं, ये कोड नहीं है, मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल लिख के बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास एक नंबर है जी 1। तो 1 का क्यूब, ये जो मैं इसको small 3 या नहीं हो रहा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1 का क्यूब प्लस हमारे पास आ गया 5। 5 का क्यूब एक नंबर है, उस नंबर का अपना एक सम है, 1 का सम 1, और उसका स्क्वायर स्क्वायर आप कह मतलब आप क्यूब उसका कह सकते हैं। जो मतलब के इज़ अ नंबर दैट इज़ द सम ऑफ इट्स ओन डिजिट ईच रेज टू द पावर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट। और जो दूसरे लफ्ज़ों में एन डिजिट नंबर को हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। और इस साथ अगर हम करते हैं प्लस अपने 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू, में हम लिख लेंगे 1 प्लस 125 प्लस 27, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 153। तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की एक एग्ज़ाम्पल है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को हमने देखा है कि वो क्या होता है और कैसे उसको हम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 का क्यूब है वो 1 हो जाएगा, 5 का क्यूब है 125 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। तो जब इनका सम करेंगे तो 153 हो जाएगा। ये एन टर्म्स तक हमारे पास चलता है। थैंक यू सो मच।